आज हम लोग के कास्ट में त्यौहार मनाया जाता है जो रात को नहाते हैं। तो अभी 3 बज रहा है, तो अभी मैं उठ के अभी नहाने जा रहा हूँ। फिर आगे क्या क्या करते हैं वो सब के बारे में बताऊँगा। इस त्यौहार का नाम रात गाधुआ है, जो रात में नहाते हैं इसीलिए इसका नाम रात गाधुआ रखा गया है। यह महाकुल जात के लोग मनाते हैं। और पानी के अंदर में देखिए, मैं गर्म करके लाया हूँ सेंधुआर का पत्ता, जिसे पानी के अंदर में डाल के गर्म करते हैं और इसी से नहाते हैं। देखिए, मैं पानी भरा हुआ हूँ बाल्टी में, तो फिलहाल चलिए नहा लेता हूँ। लगा लेते हैं, फिर आप सभी को मैं दिखाऊंगा क्या क्या खाने पीने के लिए बनाते हैं। आज के दिन नए कपड़ा पहनते हैं, तो ये मेरे नए कपड़ा है, चलिए इसको पहन लेता हूँ। चलिए, अभी आ गया हूँ जहाँ पे मम्मी भजिया बना रही है। तो हम लोग के परिवार में हम लोग 3 ही मेंबर हैं, मम्मी पापा और मैं। तो ज़्यादा बनाने नहीं पड़ता है, थोड़ा समय भी हो जाता है। तो ये भजिया डाल रही है मम्मी। पक गया पूरा, ये बन के रेडी हो गया है। अभी बना रहे हैं पूड़ी। इसमें देखिए पूड़ी डाल दिए हैं, एक एक दो दो थोड़ी ही डाल रहे हैं, काहे कि जगह छोटा है, ज़्यादा डाल देने से अच्छा नहीं पकेगा। तो देखिए कैसे पक रहा है। ये देखिए बन के तैयार है पूरी भजिया और चटनी। तो अभी खाने के लिए स्टार्ट करता हूँ मैं। पूजा पाठ हो गया है, बैठा हुआ हूँ मैं, तो चलिए खा लेता हूँ। फिर और मेरे गांव को दिखाऊंगा मैं। अभी सुबह का टाइम है, तो मैं थोड़ा सा हम लोग के घर से बगल में घूमने आया हूँ। तो यहाँ का जो कुर्सी का प्लान लगा हुआ है, तो यहाँ दिखाऊंगा। कुर्सी और सागुन का प्लान है, तो यहाँ जा के आप सभी को दिखाऊंगा मैं। काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, शाम और सुबह दोनों टाइम यहाँ आता हूँ मैं, काहे कि बहुत अच्छा लगता है यहाँ सुनसान एरिया। और आप सभी को भी दिखा दूँ, बोल रहा था कि हम लोग के गांव में मेरे घर के सामने कैसे बगान टाइप का कुर्सी लगा हुआ है, तो देख सकते हैं कैसे कुर्सी का बगान लगा हुआ है। ये देखिए अभी सुबह का टाइम है। बहुत सुंदर लगता है यहाँ।